आपके साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार सुबह जारी प्रत्याशियों की लिस्ट महज 2 घंटे में वापस ले ली। भाजपा ने सुबह 10 बजे 44 नामों की सूची जारी की थी। करीब 12 बजे पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से अपनी लिस्ट डिलीट कर दी। इसके फौरन बाद खबर दी कि पार्टी कुछ बदलाव के बाद नई लिस्ट जारी करेगी। हटाई गई लिस्ट में 3 चर्चित चेहरे, 2 पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और जम्मू कश्मीर के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम नहीं था। जम्मू कश्मीर के मीडिया प्रभारी सजाद ने बताया 44 उम्मीदवारों की पिछली सूची टाइपिंग एरर के कारण रद्द की गई है। नई सूची जल्द ही जारी की जाएगी। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर 2024 को आएंगे। जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद यानी 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा ने डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा को नागरोटा से टिकट दिया है। वे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। राणा का नाम इसलिए अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था राजनीति में फ्रेश ब्लड जरूरी है, 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना है, ऐसे युवा जिनके परिवार का राजनीति बैकग्राउंड ना हो। भाजपा ने चुनाव में जीत के लिए जम्मू के अलावा कश्मीर में भी मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। यह पहला मौका है जब पार्टी ने पहली लिस्ट में मुस्लिम दावेदारों को टिकट दिया है। कश्मीर घाटी के विधानसभा सीट राजपोरा से अर्शद भट्ट, अनंतनाग पश्चिम से रफीक वाणी और बनिहाल से सलीम भट्ट भाजपा के उम्मीदवार बन गए हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा जम्मू कश्मीर की कुल 90 में से 70 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी, जबकि कश्मीर की 20 सीटों पर निर्दलियों को समर्थन देगी। इसी के साथ बने रहे।